नमस्कार, C20 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बनवारीलाल कुशवाहा। देखते हैं आज की कुछ खास। फिरोजाबाद जिले के राशन कार्ड धारकों को आज 25 अगस्त से जुलाई माह का राशन बंटना शुरू हो गया है। उपभोक्ताओं को गेहूं चावल के साथ ही रिफाइंड चना और नमक का वितरण किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। गेहूं और चना 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाएंगे। बाकी रिफाइंड चना और नमक फ्री रहेगा। उठान न होने पाने के कारण जून का खाद्यान्न अब तक नहीं बढ़ सका। अब केंद्र सरकार ने उठान की तिथि बढ़ाने से मना कर दिया, जिससे जिले की 400 से अधिक दुकानों से जुड़े राशन कार्ड धारक वंचित रह गए हैं। इधर अगस्त में भी अभी तक राशन नहीं बटा है, जिससे कार्ड धारक परेशान थे। खाद्य आयुक्त ने 25 से 31 अगस्त तक राशन वितरित करने के निर्देश दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी स्वेटी कुमारी ने बताया कि पात्र गृहस्थी के कारणों पर प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं 2 रुपये की दर से और 3 किलो चावल 3 रुपये की दर से दिया जाएगा। वहीं एक किलो रिफाइंड चना और नमक निःशुल्क दिया जाएगा। तो देखते रहिए। फिरोजाबाद ब्यूरो चीफ रविंद्र गौतम की एक खास रिपोर्ट। खाद्यान्न का वितरण होना है, क्योंकि पहले खाद्यान्न फ्री में बंटता था, तो इस बार से सरकार ने इसमें पैसे से बांटना शुरू किया है। गेहूं और चावल दोनों चीजें जो है पैसे से बटेंगी और नमक तेल चना फ्री बटेगा। तो जो PHS वाले होंगे उनको 2 यूनिट और 3 यूनिट गेहूं चावल मिलेगा, उसके लिए उनको पैसे देने होंगे 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो के हिसाब से, लेकिन नमक तेल चना फ्री मिलेगा। ऐसे ही अंत्योदय के लिए भी नमक तेल चना फ्री रहेगा और गेहूं चावल की ही पोस्ट ली जाएगी। तो इसमें गेहूं का इसका यूनिट रहेंगे अंत्योदय के लिए 14 किलो और चावल की रहेंगी 21। कब से वितरण चालू होगा? आज से शुरू हुआ है, 25 तारीख से 31 तारीख तक NFC का वितरण। हम ग्रामीण शहरी हर जगह चालू हो गया। अच्छा, दूसरी बार का जो मिलता है वो फ्री मिलेगा? हाँ, वो फ्री है। तो उसके बारे में कोई अलग से निर्देश नहीं, अभी सिर्फ NFC के निर्देश आए।